नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 16 जुलाई और 16 जुलाई को आपका एसएससी सीजीएल का किसी भी शिफ्ट में दोस्तों कोई भी एग्जाम आपका नहीं, यानी कि नो एग्जाम, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। इस वीडियो का जो प्रश्न है उसी लेवल के लिए गए हैं जिस लेवल के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह पूछा गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों आपको इसी प्रकार चार देखने को मिलेंगे। पहला आपका लॉर्ड कैनिंग रहेगा, दूसरा आपका लॉर्ड डलहौजी रहेगा, तीसरा आपका लॉर्ड कार्नवालिस रहेगा और आपका चौथा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पर आपको राइट क्लिक कर देना है, यानी कि सही उत्तर कर देना है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो इनका इसका जो जन्म है आपका 1732 में हुआ था। मृत्यु की बात करेंगे तो 1818 में इसका मृत्यु हुआ था। तो इसका जन्म से और मृत्यु से कोई भी लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है, तो लेना देना है 1772 ईस्वी से। 1772 ईस्वी में आपका हुआ क्या था, तो फोर्ट विलियम यानी कि बंगाल के प्रेसिडेंसी के पहला गवर्नर बना था, ठीक है। तो बंगाल का पहला गवर्नर बना था कब, 1772 में। कौन बना था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। इसके अलावा 1774 का भी एक ईस्वी आपको याद रखना है। 1774 में क्या हुआ था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। 1772 में गवर्नर बना था लेकिन 1774 में पहला गवर्नर जनरल बना था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो वो गवर्नर आपका जब गवर्नर जनरल रहा कब कब तक था, तो 1774 से आपका 1785 ईस्वी तक आपका गवर्नर जनरल रहा था, जब तक वो खुद से इस्तीफा नहीं दिया था। इसके शासनकाल में और भी क्या याद रखने की चीज़ें हैं, तो प्रथम आंग्ल युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो आपका इसी के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि प्रथम आंग्ल युद्ध के समय वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको उसको राइट करना होता है। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इसके शासनकाल में और क्या हुआ था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो दोस्तों आपका बहुत ही फेमस एक्ट है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है आपके जो हाल ही में एसएससी एमटीएस के जो एग्जाम हुए हैं वो बार बार 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1773 में जो अंग्रेजों को द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन में आपका रेगुलेटिंग एक्ट रहता था, तो उसका राइट आंसर था, ठीक है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में आया था। इसके अलावा इसके शासनकाल में आपका 1784 में क्या हुआ था, तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो आपका 1784 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया किसने था, तो सर विलियम जोन्स ने किया था, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हेस्टिंग ने रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित द्वैत व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बीच प्रचलित दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया था, इसको भी आपको याद रखना है। क्या क्या समाप्त किया था, तो द्वैत शासन समाप्त किया था और आपका प्रचलित जो प्रणाली था दस्तक प्रणाली उसको भी वॉरेन हेस्टिंग ने ही समाप्त किया था, ठीक है। इसके अलावा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों आपका वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके अलावा अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसके शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था, आपको याद होगा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। इसी के शासनकाल में आपका क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। इसके अलावा प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो आपका प्रथम गवर्नर जनरल भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसके बाद आपका एक अधिनियम आता है, इसके अलावा कहा जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर होगा अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका अंतिम गवर्नर था, तो उसी समय वो था, इसलिए आपका प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता है। इसके अलावा अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो अंतिम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के ही आपके वायसराय में आपका 1857 का क्रांति हुआ था, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो 1857 का क्रांति हुआ था वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, लेकिन जब क्रांति हुआ तो पूरा जो ब्रिटेन का जो संसद है पूरा हिल गया और उसने आपका 1858 का एक अधिनियम भेजा था, आपको मालूम होगा। तो 1858 का जो अधिनियम में कहा था कि अब अंतिम गवर्नर जनरल ये कुछ नहीं होगा, अब आपको यहाँ से वायसराय भेजा जाएगा। तो वही आपका भारत का प्रथम वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, 1858 में। इसके अलावा अंतिम वायसराय कौन होता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन होता है। लॉर्ड
कॉन्वेंट है ना आपका, 1947 तक आपका क्या होता है, भारत का वायसराय रहता है जब तक आज़ादी आपका हो नहीं जाता है। इसके अलावा भारत उपनिवेश की प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। इसके अलावा अंतिम उपनिवेश की गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो सी राजा राजगोपाल चारी था, ठीक है। वायसराय का भी गवर्नर जनरल के तौर पर कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस 2023 का विषय का थीम क्या है, ठीक है। द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 वाज, ठीक है। तो ऑप्शन आपको इसी प्रकार चार ऑप्शन मिलता जुलता मिलेगा, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम लोग बात करेंगे तो ये दोस्तों मनाया कब जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। कब से मनाया जा रहा है तो ये दोस्तों आपका 1975 में आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये मनाया जाता है हर साल, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे महिलाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र दशक की स्थापना भी किया था, कब से कब तक था, 1976 से 1985 तक, ठीक है। महिलाओं पर पहला संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन आपका कहाँ आयोजित किया गया था, तो मेक्सिको शहर में आयोजित किया था, ठीक है। इसके अलावा 2023 का थीम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी है। इसके अलावा IWD, ठीक है, IWD 2023 का जो उद्देश्य है आपका इंटरनेशनल वुमेन डे 2023 का, वो है आपका हैशटैग इम्ब्रेंस इक्विटी, ठीक है। इसके अलावा जो एक अधिक समावेशी लिंग समान विषय बनाने के हित में चुनौतीपूर्ण पूर्वाग्रह और गलत धारणाओं के महत्व पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कि वेटिंग फॉर वीजा भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथात्मक कृति है, यानी वेटिंग फॉर वीजा इज अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर्स ऑफ इंडिया, भगत सिंह का है कि बिपिन चंद्र पाल का है कि भीमराव रामजी अम्बेडकर का है या लाला लाजपत राय जी का है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है, भीमराव रामजी अम्बेडकर हो जाएगा। ये जो पुस्तक है कब से कब तक लिखा गया है, तो 1935 से 1936 की अवधि में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। कौन पुस्तक लिखा गया है, तो वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। कितना पेज का है, तो 20 पेज का है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें अस्पृश्यता के साथ अपने अनुभव से संबंधित अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई यादें शामिल हैं अपने लिखावट में। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल में आपका कब होता है, तो 1891 ईस्वी में होता है। इसके अलावा इनका मृत्यु कब होता है, तो 6 दिसंबर को होता है। 6 दिसंबर 1956 का वो दिन होता है जब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का मृत्यु हो जाता है। ये क्या क्या थे, तो एक विधिवेता थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे और राजनीतिक नेता भी थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का जो जिम्मा है इन्हीं के नेतृत्व में किया दिया गया था। इसके अलावा कानून जो मंत्री है, भारत का पहला कानून मंत्री ये आपके अंबेडकर जी ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर वाज रिसेंटली स्वॉर्न इन द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन आपका इसी प्रकार 4 दिए रहेंगे, आंध्र प्रदेश रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा, मणिपुर रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के 24वें आपके क्या हैं, तो राज्यपाल हैं, ठीक है। तो कब बनाया गया है, तो 23 फरवरी को आपका 23 फरवरी 2023 को ये आपका आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है फ्रेंड्स, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, इसका नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इनको शपथ किसने दिलाया है, तो इनका जो शपथ है, राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है, ठीक है। हर राज्य के राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाते हैं, तो उस समय आपके आंध्र प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रशांत कुमार मिश्र, इन्होंने ही शपथ दिलाया है। इसके अलावा इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लिया है, जिन्हें कि छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है। तो विश्वभूषण हरिचंदन अभी वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं, तो छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। ये वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, यानी कि हु रोट अर्थशास्त्र, ठीक है। ऑप्शन में चाणक्य, वानभट्ट, इनमें से कोई नहीं, आर्यभट्ट आपका रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चाणक्य, ठीक है। अर्थशास्त्र जो कि आपका
किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स ये आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य का अन्य नाम की बात करेंगे तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ठीक है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ये आपका चाणक्य का ही अन्य नाम है, ठीक है। इसके अलावा तक्षशिला में एक विद्वान और मौर्य समाज के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक और संरक्षक रहा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, मौर्य साम्राज्य का स्थापना है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद आपका जब साम्राज्य का स्थापना होता है तो ये आपका जो कौटिल्य है जिसे कि चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बन गए थे, ठीक है। तो इनका अर्थशास्त्र पुस्तक है जो कि लिखा गया था इनके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा ही। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया है किसके द्वारा? समाशास्त्री जी के द्वारा, ठीक है, 1909 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौटिल्य, ठीक है। चलिए इसके अलावा ये पुस्तक आपका किस पर आधारित है? तो राजनीतिक विज्ञान, सैन्य नीति, आर्थिक नीति पर एक प्राचीन संस्कृत पुस्तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तिलोत्तमा सैन्य निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तिलोत्तमा तो आपको बता दें तो तिलोत्तमा जो शब्द है आपका भारोत्तोलन, शूटिंग, तैराकी, तीरंदाजी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका शूटिंग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शूटिंग हो जाएगा। तिलोत्तमा सैन शब्द नहीं है, सॉरी, तिलोत्तमा आपका सैन है जो कि शब्द नहीं है, एक आपका किस खिलाड़ी का नाम है जो कि आपका शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। लग रहा है जैसे कि कोई शब्द है लेकिन ये नहीं, आपका ये कोई व्यक्ति है प्रमुख है, जो कि आपका शूटिंग से संबंधित है। इन्होंने 22 फरवरी 2023 को मिस्र में ISSF, ठीक है, ISSF विश्व कप काहिरा में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक भी जीता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्रमुख खेल खिलाड़ियों को देखें तो भारोत्तोलन से संबंधित कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं, जैसे कि आपका कुंजा रानी देवी हैं, दूसरा आपका कर्णम मलेश्वरी हैं, तीसरा आपका मीराबाई चानू है, चौथा आपका संजीता चानू है। इसके अलावा शूटिंग से संबंधित प्रमुख व्यक्ति को देखें, खिलाड़ी को देखें तो एला वेनिल वाला रिमन है, अपूर्वा चंदेला हैं, अंजलि भगावत आदि हैं। तैराकी से हम लोग बात करें तो आरती साहा हैं, भक्ति शर्मा हैं, शिखा टंडन हैं। इसके अलावा तीरंदाजी से बात करेंगे तो दीपिका कुमारी है, अंकिता भगत है, मुस्कान किदार है, आदि आपका तीरंदाजी से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 कि आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, ये आपको बताना है, यानी कि व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ऑप्शन दोस्तों आपको इसी प्रकार मिलता जुलता मिलेगा, 930 मिलेगा, 960 मिलेगा, 943 मिलेगा और 925 मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीन 943 हो जाएगा। ये प्रश्न शायद कल के प्रैक्टिस सेट में भी था, ठीक है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं का अनुपात होता है, कि मतलब कि 1000 पुरुष पर आपके महिलाएं कितने हैं उसी के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इसके अलावा भारत में तो हम लोग बात कर लिए 933 है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका लिंगानुपात कहाँ है? तो यह आपका केरल में है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, वहाँ का लिंगानुपात कितना है सर? तो वहाँ का लिंगानुपात है 1000 पुरुष पर 1084 महिला हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन 4ES का हिस्सा नहीं है, जो कि RBI के दस्तावेज भुगतान विजन 2025 का मुख्य विषय है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 4ES डेट फ्रॉम द कोर ऑफ RBI डॉक्यूमेंट्स पेमेंट विजन 2025, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 आसान इजी, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा RBI के द्वारा जो जारी किया गया था भुगतान पेमेंट आपका विजन 25 में ई भुगतान सभी के लिए सभी जगह हर समय 4ES का मुख्य विषय है, और इसका जो उद्देश्य है प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित तेज सुविधाजनक सुलभ और किफायती ई भुगतान विकल्प प्रदान करना है। इसके अलावा पेमेंट्स भुगतान विजन 2025 को विभिन्न हितधारकों के इनपुट और RBI के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षक के लिए बोर्ड के मार्गदर्शन पर विचार करने के बाद ही तैयार किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पेमेंट विजन 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका RBI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका गलत है, जो कि स्वाधार गृह योजना से संबंधित है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिलेटिंग टू स्वाधार गृह योजना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ये योजना उन सभी को कवर करता है जो कि पर्यटक है और बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता के हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है।
ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी जो योजनाएं हैं आपका है, जो आपका ऑप्शन है वो सही है। पहला तो है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा तीसरा आपका योजना 2001-2002 में शुरू किया गया था, ये भी सही है। और ये योजना आश्रम, भोजन, वस्त्र, पुनर्वास की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए प्रदान करती है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा स्वाधार गृह योजना के बारे में हम लोग देखें तो यह योजना उन महिलाओं के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय और चिकित्सा सुविधा जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है जो कि संकट में है। इसके अलावा यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और यह योजना इस बात का भी ध्यान रखती है कि इन महिलाओं की विशेष, ठीक है, इन महिलाओं की विशेष जरूरत को ठीक से ध्यान रखा जाता है और किसी भी परिस्थिति में उन्हें उपेक्षित या परित्यक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिससे उनका शोषण हो और वो अकेलापन महसूस हो सकता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा से प्रभावित एक महिलाएं 1 वर्ष तक रह सकती है। इसके अलावा योजना के तहत हर जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाला स्वाधार गृह स्थापित किया जाएगा। बड़े शहरों में और 40 लाख से अधिक आबादी वाले अन्य जिलों में या उन जिलों के लिए जहां महिलाओं को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, एक से अधिक स्वाधार गृह स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जलदमरू मध्य है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन में आपका मलक्का जलदमरू, सुंडा जलदमरू, डेनमार्क जलदमरू या पैरिंग जलदमरू रहेगा। तो ऑप्शन दोस्तों आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मलक्का जलदमरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलक्का जलदमरू की बात करेंगे हम लोग तो मलक्का जलडमरू अंडमान सागर, ठीक है, अंडमान सागर जिसे कि हिंद महासागर भी कहा जाता है और दक्षिणी सिंध सागर यानी कि प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो किसे किसे जोड़ता है, तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये आपका 800 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये दुनिया में सबसे लंबा जलडमरू मध्य है और न केवल जलयान और आसपास के समुदाय में लोगों की आवाजाही की सुविधा भी प्रदान करता है बल्कि पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार, संस्कृतियों और विचारों और ज्ञानों का भी संगम है। यह सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीप के बीच पश्चिम और प्रायद्वीपीय, ठीक है, पश्चिम और प्रायद्वीपीय मलेशिया और पूर्व में चरम दक्षिण थाईलैंड के बीच फैला हुआ है और इसका क्षेत्र लगभग आपका 25,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 25,000 वर्ग किलोमीटर है और सिंगापुर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक है और जल डमरू के दक्षिण छोर पर स्थित है। इसके अलावा पश्चिम में, पूर्व में आर्थिक शक्ति में वैश्विक जो बदलाव के साथ साथ हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्रों में फैले क्षेत्रों में बढ़ते व्यापार, निवेश और उत्पादन ने इस क्षेत्र का महत्व दिया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि राम प्रसाद बिस्मिल है जो कि डैश से जुड़े हुए थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल वाज एसोसिएटेड विद डैश। ठीक है, तो ऑप्शन में दोस्तों आपका कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र और लाहौर षड्यंत्र रहेगा। तो ऑप्शन आपका जो काकोरी षड्यंत्र है आपका ऑप्शन नंबर 3 वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कि काकोरी षड्यंत्र कांड का, तो ये दोस्तों आपका हुआ कब था, तो ये दोस्तों आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस समय हुआ क्या था, तो ये दोस्तों आपका एक ट्रेन को इन्होंने लूट लिया था। ठीक है, क्या क्या था, ट्रेन को लूट लिया था 9 अगस्त 1925 के रात में। ठीक है, काकोरी एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये जो आपका राम प्रसाद बिस्मिल है वही दोस्तों आपका एक एसोसिएशन से संबंधित है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान एचआरए, ठीक है, इसे एचआरए भी कहा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित है। इसका जो स्थापना है 1924 में इन्होंने ही किया था। इसके अलावा 1928 में इसका नामकरण बदलकर आपका चंद्रशेखर जो आजाद हैं उसका नाम बदल लेते हैं और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, 24 में स्थापना होता है आपका, 28 में नाम है जो कि चेंज हो जाता है। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां के नेतृत्व में एचआरए सदस्यों ने विभिन्न रेलवे स्टेशन से एकत्र किए गए धन को लूट लिया और लखनऊ में जमा किया जाना था। पैसे का उद्देश्य उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को निधि देना था यानी कि आर्थिक सहायता देना था और कोई बात नहीं था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि या MMRP पद्धति का उपयोग गरीबी की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस समिति या एजेंसियों द्वारा किया गया है। द मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड ऑन MMRP मेथड वाज यूज्ड बाय बीच ऑफ द फ्लोइंग कमिटीज एजेंसीज टू कैलकुलेट पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर 1 लकड़वाला समिति, ऑप्शन नंबर 2 श्रीरंग राजन समिति, ऑप्शन नंबर 3 आपका सुरेश तेंदुलकर समिति, ऑप्शन नंबर 4 नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका श्री रंगराजन समिति हो जाएगा।
इसके अलावा गरीबी की बात करेंगे हम लोग, तो गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार के पास मूलभूत न्यूनतम जीवन स्तर को वहन करने के लिए वित्तीय संसाधन की कमी होती है। आर्थिक गरीबी रेखा यानी कि गरीबी रेखा टोकरी PLV में वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय है और इस रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में गरीबी को मापा जाता है। इसके अलावा श्री रंगराजन समिति की बात करेंगे तो यह आपका 2014 में आया था और गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए गठित श्री रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसमें खाद्य और गैर खाद्य मदों पर व्यय का उपयोग करते हुए गरीबी रेखा यानी कि PL की गणना किया गया था और कैलोरी की न्यूनतम पोषक तत्व आवश्यकता ग्रामीण और शहरी व्यक्ति के लिए क्रमशः 2155 कैलोरी और 2090 कैलोरी है। इसके अलावा इसने गरीबी की गणना के लिए संशोधित जो मिश्रित संदर्भ अवधि है या MMRP है पद्धति का उपयोग किया था जिसमें शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, वेनसांग आपका कहाँ का है, चीन का है। इसके अलावा आपको बताना है इवन बतूता मोरक्को का है, आपका मेगास्थनीज कहाँ का है, ग्रीस का है, फायान कहाँ का है, मलेशिया का है। यह चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो चार है फायान वाला, ये दोस्तों आपका गलत है, वो आपका मलेशिया से नहीं संबंधित था, वो दोस्तों आपका चीन से संबंधित था, चीनी बौद्ध यात्री था। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आपका भारत आया था। किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था, तो आपका ये चीन हो जाएगा ना कि आपका मलेशिया होगा। बाकी वेनसांग आपका चीन सही है, इवन बतूता आपका मोरक्को सही है, मेगास्थनीज आपका ग्रीस से ही संबंधित आपके है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें कुछ यात्रियों के जो कि आपके भारत आए थे, अब किस अवधि में आए थे, तो देखिए एक यात्री है आपका डीमा चोस। ठीक है, डीमा चोस है जो कि आपका 300 BC से 273 BC अवधि के बीच भारत आए थे। इसकी जो राष्ट्रीयता है यानी कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ग्रीक से बिलोंग करते हैं, और किसके शासनकाल में आए थे, तो बिंदुसार आपका किस कौन वंश का शासन था, शासक था, तो मौर्य वंश का शासन संभाला था। ठीक है, इसके अलावा मेगास्थनीज की बात करेंगे तो इसका जो अवधि है 302 से 298 BC है और ये दोस्तों आपका ये भी ग्रीक का ही है और आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आपका आया था। टॉलमी की बात करेंगे तो इसको याद रखिएगा, ये शायद आपका आया नहीं था, ये आपका 130 AD से अब इसका जो संबंध है और ये भी इसका जो राष्ट्रीयता है ये भी आपका ग्रीक ही है। इसके अलावा फायान की बात करेंगे तो 405 से 411 AD के बीच भारत आया था और इसका जो राष्ट्रीयता है वो आपका चीनी है फायान, और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य इसका ही उपाधि था, उसके शासनकाल में आया। वेनसांग की बात करेंगे तो 630 से 645 अवधि के बीच भारत आया, ये भी आपका एक चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसके अलावा अलबरूनी की बात करेंगे तो 10 से 14 से 1030 AD के बीच आपका भारत आया, ये दोस्तों आप कहाँ का था, तो अफगान का था, और महमूद गजनबी के साथ आपका भारत आया था, उस समय आपका चंडेल वंश का शासन भारत पर था। इसके अलावा मार्को पोलो की बात करेंगे तो 1292 से 1294 AD के बीच आपका आया था और ये दोस्तों आपका वेनिस था आपका राष्ट्रीयता में और ये आपका पांड्य वंश से संबंधित पांड्य वंश के शासनकाल के दौरान आया। इवन बतूता की बात करेंगे तो 1333 से 1347 AD के बीच आपका भारत आया था और ये आपका मोरक्को का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपका ये भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 14 नंबर है कि लोक नृत्य शैली धूमल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है यानी कि फॉक डांस ऑफ धूमल इज फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र, कश्मीर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल रहेंगे, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो धूमल जो नृत्य है आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित है और ये दोस्तों आपका वाटल एक जनजाति है जो कि जम्मू कश्मीर में निवास करती है, उन्हीं के द्वारा है जो कि किया जाता है और ये नृत्य केवल विवाह जैसे विशेष अवसर पर ही किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के और नृत्यों में देखिए कौन कौन से नृत्य हैं, तो कुद नृत्य है, रॉफ नृत्य है, बच्चा नगवा नृत्य है, हफीजा नृत्य आदि कश्मीर में कुछ लोकप्रिय नृत्य हैं, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रॉफ नृत्य। ठीक है, रॉफ नृत्य को याद रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे तो आपका कोली, गोंडल, तमाशा, डिंडी आदि जो नृत्य है आपका ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा मिजोरम की बात करेंगे तो चैलम, थांगलम, चेराव, कुल्लम, बास नृत्य आपका मिजोरम से संबंधित है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो गौड़िया नृत्य, गंभीरा नृत्य, छाऊ नृत्य और
टूसु नृत्य आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग, तो वो पूछा गया है कि अल वन जल, ठीक है, औ लवन जल डैश में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक महासागर, ऑप्शन नंबर दो ध्रुवीय बर्फ टोपी, ऑप्शन नंबर थ्री झील, ऑप्शन नंबर चार भूमिगत जल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ग्लेशियर और नदी की बात करेंगे, तो ये ग्लेशियर नदी और कुआं ये दोस्तों आपका मीठे पानी का स्रोत है। इसके अलावा महासागर और समुद्र खारे पानी के स्रोत है, ना कि मीठे पानी का। हालांकि अवलवन जल जीवन के लिए आवश्यक है और ये एक सीमित संसाधन है। पृथ्वी पर मौजूद जल का केवल 3% ही अलवन जल है, ठीक है। इसके अलावा नदियां और झरने का जो स्वाद है नमकीन नहीं होता है, क्योंकि वर्षा उनमें अलवन जल को फिर से भर देती है। हालांकि महासागर का जल उन सभी नदियों के लवण और खनिजों को इकट्ठा करता है। सभी जल का 97% लवण जल है, जो कि ज़्यादातर हमारे महासागरों और समुद्रों में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि नॉर्वे ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते, जिसे कि आधिकारिक तौर पर आपका 24वां ओलंपिक शीतकालीन खेल कहा जाता है। यह 4 फरवरी से 22 फरवरी के बीच डैश में आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक बीजिंग में आपका शीतकालीन ओलंपिक है, जो कि आयोजित किया गया था। इसके अलावा बीजिंग की बात करेंगे शीतकालीन ओलंपिक का, तो ये आपका 24वां ओलंपिक था, जो कि 2022 में बीजिंग ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन बहु खेलों आयोजन है। ये आपका 4 से 20 फरवरी के बीच बीजिंग चीन में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर एक नगरपालिका, ऑप्शन नंबर दो पंचायत, ऑप्शन नंबर तीन नगर निगम, या ऑप्शन नंबर चार उपनगर। तो ऑप्शन नंबर जो दो है आपका पंचायत, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का जो 73वां संशोधन है, जो कि 1992 में हुआ था, उसमें आपका भाग 9 जोड़ा गया था, जो कि आपका 11 अनुसूची भी शामिल है। 11 अनुसूची भी उसमें ही जोड़ा गया था, जो कि आपका पंचायत से ही संबंधित था, ठीक है। पंचायत का जो प्रावधान है आपका अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक आपका किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में आपका 29 विषय को शामिल किया गया है, जिन पर पंचायतों का प्रशासनिक नियंत्रण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल्स कैन बी यूज टू रिमूव कॉपर ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका एसिटिक अम्ल आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव महाधमनी की पहली शाखा कौन सी है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन एरोटा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दो बाहु शीर्ष धमनी, इसका आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी पीडीएफ में इससे प्रश्न जुड़े आपका फैक्ट्स भी है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे हम दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक अनुच्छेद 176 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 176 है जो कि राज्यपाल के द्वारा विशेष अभिभाषण को परिभाषित करता है। विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद या पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानसभा को संबोधित करेगा। विधान परिषद वाले राज्यों के मामले में दोनों सदनों की बैठक हुई और विधायिका को उसके समन के कारण के बारे में सूचित करेगा। इसके अलावा ऐसे अभिभाषण में निर्देशित मामलों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के लिए सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों के द्वारा प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कि फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव 1984 में किस पांडवानी गायिका को सम्मानित किया गया था, यानी कि विच पांडवानी सिंगर वाज हॉनर्ड एट द फेस्टिवल ऑफ द इंडियन इन फ्रांस इन 1984। तो इसका जो राइट आंसर है आपका तीजन बाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीजन बाई की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है और ये जो पांडवानी जो नृत्य है वो भी आपका छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका
कि दाब मापने का एसआई मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, तो इसका जो राइट आंसर है आपका पास्कल हो जाएगा। पास्कल दाब मापने का एसआई यूनिट है और इस इकाई का नाम फ्रांसीसी गणित के और भौतिक विज्ञानी वलेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, एक पास्कल के बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के बराबर होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कौन 1917 में। इसके अलावा व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करेंगे तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उसमें आपका प्रथम जो अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी ही बने थे। इसके अलावा एनी बेसेंट की बात करेंगे तो 1916 में बेसेंट ने लोकमान्य तिलक के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की थी, एक बार फिर से आयरिश राष्ट्रवादी प्रथाओं पर भारत के लिए मॉडलिंग की मांग की थी। इसके अलावा 1925 की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू के बारे में, तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और यह पद ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। तो प्रथम महिला और पहली महिला इन दोनों में डिफरेंस है आपका, तो इसको याद रखिएगा। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 वाली और प्रथम आपका महिला की बात करेंगे तो 1917 में आपका एनी बेसेंट। ठीक है, इसके अलावा सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारतीय कैलेंडर पर कौन सा महीना है भारतीय परंपरा के अनुसार शिशिर ऋतु से संबंधित है, यानी कि विच मंथ ऑन द इंडियन कैलेंडर इज एसोसिएटेड विद द शिशिर सीजन अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 माघ और फागुन। ठीक है, माघ और फागुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है या लोक नृत्य है, तो यक्षगान इज द डांस ड्रामा ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन में आपका इसी प्रकार रहेंगे, मेघालय रहेगा, कर्नाटक रहेगा, पश्चिम बंगाल रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान भारत के कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य नाट्य है जो कि एक प्रशंसनीय शास्त्रीय पृष्ठभूमि के साथ किया जाने वाला एक अनोखा नृत्य रूप है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का 25 क्वेश्चन रहा विथ जीके विथ आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक ये आपका एग्जाम तक आते आते 10 से 12 प्रैक्टिस सेट आपको आएंगे, अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि आपको यहाँ से आपके सीजीएल जो प्री होगा या सीएचएसएल होगा या एमटीएस होगा वहाँ पर प्रश्न जो कि आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, नहीं मिले तो YouTube पर हम वीडियो क्लास लेना छोड़ देंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन सा कब का दिन से कौन से समय से, मतलब मान लीजिए कि 4:45 पे ये प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो जब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको डेट के साथ स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे कि देखिए हम इस डेट पर इस समय पर ये प्रश्न आपको बताए थे और ये आपके एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग विश्वास कीजिए, चैनल वीडियो को फॉलो कीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता है। इसके बाद आपको इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।